हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर भी अपने कामों से थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को मेरे रूम का रूम टूर देने वाली हूँ। तो आप लोग तैयार है ना मेरे रूम का रूम टूर देखने के लिए? तो चलिए मेरे साथ आप लोगों को मैं अपने रूम का रूम टूर देती हूँ गाइज। हाँ, तो ये है हमारा दरवाज़ा और खोलते साथ ही इधर है दो बंदर। ऐ कुछ नहीं बोलना है, हाँ कुछ तो बोलो यार। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग का दिन कैसा कटता होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये लोग रंगीला का, ये लोग अच्छा करते हैं, रंगीला की फॉलोवर्स लोग हैं दो जन। बड़ी बहन है, फाइन सीख लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो जस्ट रूम घुसते ही इधर हम लोग का बिस्तर लगा हुआ है। तो छोटा सा ही रूम है लेकिन हो गया है, जैसे भी है सब ठीक है। तो बहुत अस्त व्यस्त है चीज़ें हमारे, तो वो सबको इग्नोर कीजिएगा। और इधर है किचन हम लोग का। ऐसा लग रहा है बर्तन ये सब का दुकान लगाए हुए हैं हम लोग। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। तो सारा सामान तो हमारे लिए टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग अच्छे से सजा पाए, पर जब भी टाइम मिलता है हम लोग का रूम थोड़ा साफ ही रहता है। और इधर सुबेला बोल रही है हम लोग का झाड़ू नहीं है, तो कोई नहीं, झाड़ू ले लेंगे। आप हमें इतना प्यार दीजिए ना गाइस कि हम झाड़ू नहीं हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं तो क्या करें, हम लोग पास झाड़ू भी नहीं है। तो हाँ, हम लोग इतना मतलब सपोर्ट कीजिए कि हम लोग एक झाड़ू ले सके। झाड़ू बड़ा बड़ा होता है ना, इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट से हम ये कर सकते हैं, हम लोग भी मांग करते हैं वही तो खरीद सके। हाँ, कम से कम हम लोग एक पलंग खरीद सके क्या। हाँ, और ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और इधर हम लोग का किचन, बहुत सारा सामान है। इधर है बाल्टी पानी रखने वाला, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह। तो बहुतों को लग रहा होगा कि हम लोग का रूम तो बहुत कचरा है, लेकिन क्या करें, हम लोग एक तरफ से नहीं आते, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो हम लोग के बीच में प्लानिंग नहीं था कि हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे क्या हम लोग, तो फिर सब अपना अपना सामान लेके आए। अगर एक ही साइड से आते तो हम लोग एक ही चूल्हा एक ही में पकाते खाते, लेकिन हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग जिला से आते हैं, तो हम लोग वो बात नहीं हो पाई जिससे कि हम लोग का इतना सारा सामान हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।